तो गाइज आज हम देखने वाले हैं कि अपनी भद्दी सी फोटो को एकदम साफ और क्लियर कैसे बनाएं। तो गाइज जैसे इस एग्जांपल में आप देखिए, ये जो ऐसे ये ब्लरी इमेज थी और कितनी क्लियर कर दी है इसने। और ये देखिए गाइज, ये पैरेट कितना अभी अनक्लियर है और अब मैंने इसको धीरे से क्लियर कर दिया। वाओ वाओ। तो आप अपनी किसी भी बेकार फोटो को क्लियर कर सकते हो उसकी मदद से। जैसे ये कितनी क्लियर हो गई गाइस, पहले भद्दी थी एकदम और अब कितनी क्लियर हो गई। तो आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं, देखते हैं ये वेबसाइट कितनी अच्छी, जैसे ब्लरी हो गई हमारी इमेज और क्लियर हो गई जाएगी विद इन अ सेकेंड गाइस। ये हमारी किसी भी ऐसी इमेज को, वाह अबे ये तो पिक्सल्स फटे हुए हैं और एकदम से, अब देखते हैं, वाह 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 भाई, जैसा इन्होंने दिखा रखे क्या सच में ऐसा करता भी है, मतलब दिखाते कुछ भी देते हैं। चलो फिर ट्राई करके देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, अपने दे रखे हैं जिन्होंने, अपने इन्होंने दे रखे हैं, तो इन्हीं के उसमें से एक इमेज ले लेते हैं। जैसे ये वाली इमेज ले लेते हैं ओके। तो जैसे ये इमेज है यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ब्लरीनेस है इधर और इस तरफ भी, तो ये 2x कर देगा। 4x के लिए हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, मतलब पेड है वो जो कि हम इस्तेमाल नहीं होना चाहते हैं। 2x भी काफ़ी सही हो जाता है, ठीक है। और गाइस जैसे बता दूँ मैं, इस वेबसाइट पे आप वाओ इतनी जल्दी इमेज हमने बना भी दी ओके। अच्छा तो हम ऐसे देख सकते हैं कि ओरिजिनल ऐसी थी, रिजल्ट के बाद ऐसी हो गई। तो इसमें कुछ इतना खास पता नहीं चल पा रहा है। हम अपनी एक अच्छी इमेज लेते हैं न्यू टैब में जाके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक BL ब्लर। तो अब हम सर्च कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लरी इमेज आ चुकी है। तो भाई ये ले लेते हैं गाइस, एक में तीन, एक के साथ तीन की, तो ये मुझे सही लग रही है। जिसमें इसमें तो पूरी धुंधला हो रखा है इमेज, देखते हैं क्या होएगा इसके साथ, पे ट्राई करके देखेंगे। पूरी धुंधली हो चुकी है इमेज, तो डाउनलोड हो चुकी है, सेव कर लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, आप अपलोड कर लेते हैं अपनी इमेज को, आ जाओ यहाँ पे, हमारी फाइल हो रही है गाइस अपलोड। तो अपलोड हो चुकी है और अब बारी है इस पर जनरेट करने की। जनरेट पे क्यों नहीं आ रहा है, आ गया, तो जनरेट पे क्लिक करते हैं। भाई साहब पूरी ब्लर इमेज है भाई, ये पूरी की पूरी, इसमें तो कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इसने इसको साफ कर देना तो भाई हाँ, एक काम किया वेबसाइट बना तो बेकार, क्योंकि ऐसी इमेज होती है ना हमारे पास भाई, ऐसी ही होती है हमारे पास क्या किया भाई इसने, मुझे तो बस अंतर दिखाई दे नहीं रहा, मुझे तो कुछ अंतर नहीं दिखाई दे रहा भाई, सेम वही ब्लरीनेस। नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई, आप स्केल नहीं हुई, आप स्केल नहीं हुई। ऐसा करते हैं, चलो गूगल से ले लेते हैं इमेज, ठीक है। और मैं ना ऐसी छोटी इमेज करूँगा डाउनलोड, ठीक है, जैसे ये टॉम एंड जेरी की इमेज मुझे सही लग रही है, ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, सेव इमेज एज, सेव। तो गाइस इमेज हो चुकी है डाउनलोड, अब इसको अपलोड करके देखते हैं यहाँ पे फटाफट से।
देख सकते हो गाइस कितनी ब्लर इमेज आई है। और अब इस पर करते हैं इंटरनेट पे क्लिक, लेट्स सी एग्जांपल इसका कैसा करता है ये काम। एंड नहीं गाइस दिस इज नॉट वर्थ इट। तो गाइस जैसे कि वेबसाइट अब वर्थ इट नहीं है, मतलब ये टूल इसका वर्थ इट नहीं है, तो जैसे इस वाले एग्जांपल में देखिए पैरेट कितना ब्लर है और यहाँ पे इसने अप स्केल कर दिया इसको, ठीक है। तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और मैंने एक वेबसाइट पता लगाई है गाइस, ये वाली इमेज अप स्केलर, इसका नाम देख लीजिए imguupscaler.com। यहाँ पर ये ना हमारी इमेज को मतलब 400 टाइम्स तक कर देगा, तो फ्री में है। और स्क्रीनशॉट्स में ये रहा हमारा स्क्रीनशॉट, इसको ओपन कर लेते हैं। ओके स्टार्ट पे क्लिक करते हैं गाइस। तो हमारा ये अभी प्रोसेस हो रहा है, जैसा इन्होंने एग्जांपल दिखा रखा है ब्लरी इमेज को एकदम मस्त कर दिया इसने, लेट्स सी। तो हमारा हो चुका है गाइस, इस वाली वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहां से आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैंने क्लिक करा है और हमारी फाइल हो चुकी है डाउनलोड। अब हम कंपेयर करके देखते हैं अपना इमेज। तो हो चुकी है ये डाउनलोड, तो इसको ओपन करते हैं। तो गाइस ऐसी थी है हमारी इमेज वेबसाइट पे, देखिए अभी मैंने वेबसाइट खोल रखी है, वेबसाइट पे ऐसी थी और अब हो चुकी है ऐसी। टना कितनी साफ कर दी इसने गाइस, देखिए ऐसी से हो चुकी है ऐसी। तो ये गाइस ये वाली वेबसाइट बहुत वर्थ इट लगी मुझे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इमेज अप स्केलर का। और इन्जॉय, थैंक यू गाइस।